हेलो स्टूडेंट्स, आरसी एजुकेशन हब बानसू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, कक्षा 6 के गणित विषय में हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 10.2 जो है क्षेत्रफल से संबंधित, जिसमें हम अध्ययन कर रहे थे वर्गांकित पेपर पर कोई भी अगर आकृति बनाई जाए तो उस आकृति का हम अनुमानित क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो आपको इसका बेसिक नॉलेज आपको दे दी जा चुकी थी पिछले वीडियो में। अब हम बात करेंगे उसी से संबंधित, कुछ प्रश्नों को हल करेंगे कि यहाँ पर वर्गांकित पेपर के मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं और उनको आपको हल करके आपको समझाने का प्रयास किया है। तो देखिए, इसमें मैंने सबसे पहले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें से मैंने 3 क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करके समझाने का प्रयास किया, बाकी के अन्य क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही एज इट इज है जो आपको स्वयं को हल करने हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर सी है। सी में आप देख सकते हैं कि एक आकृति बना रखी है, मैंने यहाँ पर डार्क कर दिया आपको अच्छे से समझ में आए। ये आकृति है और इस आकृति का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया था वही कार्य इसमें करना है। क्या करना है कि पहले सबसे पहले आप इस आकृति में ध्यान काउंट कीजिए, गिनिए कि पूरे घेरे गए वर्ग कितने हैं, आकृति द्वारा पूरे कितने वर्ग घेरे गए हैं। तो आप इस आकृति में देखेंगे कि पूरे पूरे वर्ग आपको घेरे हुए कितने नजर आएंगे, 2। देखिए यहाँ पर आपको बिल्कुल सिंपल अच्छे से नजर आ रहे हैं और कितने वर्ग घेरे गए हैं, 2। तो हम क्या कहेंगे, दी गई आकृति में, दी गई आकृति में, आकृति द्वारा पूरे घेरे गए वर्गों की संख्या कितनी है, पूरे घेरे गए वर्गों की संख्या, देख सकते हैं अपन पूरे घेरे गए वर्गों की संख्या कितनी आ रही है, 2। तो हम क्या लिख देंगे, 2। अब हम पूरे घेरे गए वर्गों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। मैंने आपको बताया था एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, 1 वर्ग इकाई, तो इसलिए ये चिन्ह किसका होता है, इसलिए का, पूरे घेरे गए वर्गों का क्षेत्रफल देखिए, एक वर्ग इकाई होता है तो 2 वर्गों का कितना हो जाएगा, 2 गुणा 1 वर्ग इकाई, तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 वर्ग इकाई। ठीक है, यह हमने किसका ज्ञात कर लिया, पूरे घेरे गए वर्गों का। अब बात करते हैं सेकंड, आधे से अधिक। तो क्या इस आकृति में आपको आधे से अधिक घेरे गए वर्ग नजर आ रहे हैं, तो आप देखेंगे इसमें आपको आधे से अधिक घेरे गए वर्ग है ही नहीं, यानी आकृति में आधे से अधिक वर्गों को घेरा नहीं है। तो तीसरी बात करेंगे आधे घेरे गए वर्ग, तो आधे घेरे गए वर्ग आप देखेंगे, देखिए आपको 4 वर्ग नजर आएंगे ऐसे, 1, 2, 3 और 4, देख सकते हैं बिल्कुल 4 वर्ग आपको नजर आएंगे आधे घेरे गए। तो हम यहां पे लिखेंगे आधे घेरे गए वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या, तो देखिए आधे घेरे गए वर्गों की संख्या आप काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3 और 4, कितनी आ गई, 4। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि आधे घेरे गए वर्गों की संख्या के लिए क्षेत्रफल हमें कितना लेना है, एक वर्ग के लिए आधा वर्ग इकाई, तो 4 के लिए निकाल लेते हैं। तो इसलिए आधे घेरे गए वर्गों का क्षेत्रफल 1 आधे घेरे गए वर्ग का क्षेत्रफल आधा वर्ग इकाई, तो 4 के लिए निकालेंगे, तो 4 गुणा 1/2 वर्ग इकाई, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना है टोटल, 2 वर्ग इकाई। तो चौथी चीज थी अपनी कि यदि आकृति द्वारा किसी वर्ग का आधे से कम भाग घेरा गया है
तो ऐसे वर्गों को हम क्षेत्रफल में काउंट नहीं करते, उनको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कोई सिचुएशन बनी नहीं रही है कि कोई आकृति द्वारा आधे से कम वर्ग घेरा गया है। तो हमारे केवल क्या था कि पूरे पूरे वर्ग थे और आधे वर्ग। तो हमारा जो भी आकृति द्वारा घेरे गए वर्ग थे उनको हमने यहाँ पे शामिल कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, आकृति का क्षेत्रफल निकाल देंगे। अतः कुल क्षेत्रफल, तो कुल क्षेत्रफल के लिए देखिए पूरे घेरे गए वर्गों का कितना आया था, दो वर्ग इकाई, और आधे घेरे गए वर्गों का भी कितना था, दो वर्ग इकाई। दो और दो कितना हो जाएगा, चार वर्ग इकाई। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि इस वर्गांक पेपर में जो आकृति बनाई गई थी इसका कुल क्षेत्रफल कितना आ गया है, चार वर्ग इकाई आ गया है। तो इस तरीके से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप कि वर्गांकित पेपर पे ये आकृति बनाई गई है जिसको आपको डार्क करके दिखाया गया है। अब इस आकृति में आप देखेंगे कि आकृति द्वारा जो घेरे गए वर्ग हैं उसमें सभी वर्ग पूरे पूरे नजर आ रहे हैं, कोई भी वर्ग आधा नहीं है, आधे से अधिक नहीं है या आधे से कम नहीं है। तो ऐसी आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना अपने लिए और भी सरल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि एक वर्ग का एक वर्ग इकाई लेंगे और वर्गों को काउंट कर लेंगे। तो देखिए इसमें आकृति द्वारा कितने घेरे गए वर्ग हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, यानी दस पूरे पूरे वर्ग घिरे हुए। तो इस आकृति का हम क्षेत्रफल निकालना मान लिए बहुत ही सरल है। तो हम बात करते हैं ई क्वेश्चन की, दी गई आकृति में, दी गई आकृति में, अब देखिए इसमें आकृति द्वारा पूरे घेरे गए, आकृति द्वारा पूरे घेरे गए वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या बराबर कितनी है, हम काउंट कर चुके हैं, चार तीन सात और तीन दस, पूरे घेरे गए थे। तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते, इसलिए पूरे घेरे गए वर्गों का क्षेत्रफल, देखिए एक वर्ग का एक वर्ग इकाई तो दस का निकालेंगे, तो दस गुणा एक वर्ग इकाई कितना आ गया, दस वर्ग इकाई आ गया। ठीक है, अब देखिए इसमें ना तो हमारा आधा वर्ग है कोई, ना आधे से अधिक है, ना ही आधे से कम है। तो हम सीधा हमारे पास क्षेत्रफल आ गया है पूरा आकृति का, तो हम कह लिख देंगे अतः आकृति का कुल क्षेत्रफल, आकृति का कुल क्षेत्रफल, तो आकृति का कुल क्षेत्रफल निकालेंगे तो कुल क्षेत्रफल में केवल पूरे पूरे घेरे गए वर्ग थे, तो कितना आ गया, दस वर्ग इकाई। समझ गए होंगे आप, क्योंकि इसमें ना तो आधा कोई वर्ग था, ना आधे से अधिक था, ना आधे से कम था, केवल क्या था, पूरे पूरे घेरे गए वर्ग। तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करना हमने अपने लिए और भी सरल है। फिर अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जी, बाकी अन्य क्वेश्चन भी है जो सेम ऐसे ही एजिटिव होंगे जो आपको स्वयं को हल करने हैं। मैंने आपको उनसे जो अदर क्वेश्चन है उनसे संबंधित ये तीन क्वेश्चन हल करवा रहा हूं, बाकी सेम एजिटिव जैसे ही है जिसमें क्या तो पूरे घेरे गए वर्ग आपको दिए होंगे, क्या पूरे घेरे गए होंगे या आधे वाले होंगे। तो ठीक है, तो जी क्वेश्चन है, जी क्वेश्चन में देखिए, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, अपना काम वही है आधा या पूरा या आधे से अधिक या आधे से कम। तो देखिए सबसे पहले पूरे घेरे गए देखो, एक दो तीन चार, पूरे घेरे गए वर्ग कितने हो गए हैं, चार। फिर तो हम लिखेंगे जी के लिए दी गई आकृति में, दी गई आकृति में पूरे घेरे गए वर्गों की संख्या, पूरे घेरे गए
वर्गों की संख्या, यहां से हमें कितनी संख्या प्राप्त हुई है, एक दो तीन और एक चार। तो सेम वही प्रोसेस, अब हम चार वर्गों का क्या निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल। इसलिए पूरे घेरे गए वर्गों का क्षेत्रफल क्या करें, एक वर्ग का एक वर्ग इकाई, तो चार वर्गों का चार गुना एक वर्ग इकाई कितना आ गया, चार वर्ग इकाई। सेकंड देखिए, इसमें आधे से अधिक कोई है क्या, तो आप देखेंगे कि यहां पे आधे से अधिक कोई नहीं है। आधा देखेंगे तो आधा कितने, आधे कितने हैं वर्ग, एक दो तीन और एक चार। तो सेकंड स्टेप अपनी, आधे घेरे गए वर्गों की संख्या, तो यहां पर देखेंगे आधे घेरे गए वर्गों की संख्या कितनी है, चार। तो इसलिए आधे घेरे गए वर्गों का क्षेत्रफल, आधे के लिए क्या करें, एक बटे दो से इसकी गुणा कर देते हैं, तो चार गुणा एक बटे दो वर्ग इकाई, दो एकम दो, दो दूनी चार, तो दो की एक से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, दो वर्ग इकाई। और वैसे भी चार का आधा कितना होता है, दो। तो जो जो आकृति द्वारा घेरे गए वर्ग थे उनकी हमने बात कर ली है, अब हम क्या निकाल लेते हैं, दी गई आकृति का क्षेत्रफल। अतः दी गई आकृति का क्षेत्रफल इनको आपस में हम क्या कर देते हैं, जोड़ देंगे, तो चार प्लस दो बराबर कितने आ गया, छह वर्ग इकाई। तो इस आकृति का कुल क्षेत्रफल कितना आ गया, जो इसमें बनाई हुई थी वर्गांकित पेपर पे, छह वर्ग इकाई। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम वर्गांकित पेपर पे क्या करते हैं, क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। बाकी के अन्य क्वेश्चन है जो सेम एज इट इज ऐसे ही है, जिनको आपको हल करना है, तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। थैंक यू।